ये केक दिखने में जितना सुंदर दिख रहा है, खाने में उतना ही टेस्टी, बनाने में उतना ही आसान है। इसे हमने बिना व्हिप क्रीम के डेकोरेट किया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीमा स्मार्ट किचन। आज हम बनाएंगे क्रिसमस जेब्रा केक। पर रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस कीजिए, इससे आपको रेसिपी अपलोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगा। चलिए बनाते हैं क्रिसमस जेब्रा केक। क्रिसमस जेब्रा केक बनाने के लिए दो अलग अलग कटोरियों में 1 टेबलस्पून दूध ले लीजिए। अब इसमें डालना है फूड कलर। एक कटोरी में मैं डाल रही हूँ रेड फूड कलर 2-3 ड्रॉप और दूसरी कटोरी में 2-3 ड्रॉप येलो और 2-3 ड्रॉप डाल रही हूँ ब्लू फूड कलर। अगर आपके पास ग्रीन है तो आप डायरेक्ट ग्रीन फूड कलर भी डाल सकते हैं। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और साइड में रख दीजिए। 9 इंच का केक टिन ले लीजिए, ऑयल से ग्रीस करके बटर पेपर लगा दीजिए, उसके ऊपर फिर से ऑयल लगा दीजिए और इसे भी साइड में रख दीजिए। एक बड़ा भगोना, कढ़ाई या फिर प्रेशर कुकर ले लीजिए, इसमें डाल दीजिए 1.5 कप नमक और उसके ऊपर स्टैंड या फिर स्टील की रिंग रख दीजिए। आयरन की है तो आयरन की भी रख सकते हैं। ऊपर से ढक्कन रख दीजिए, फ्लेम को मीडियम टू हाई कर दीजिए, 10 मिनट तक प्री हीट होने दीजिए। एक बनाना ले लीजिए, इसे छील कर एक बर्तन में डाल लीजिए, चम्मच से मैश कर लीजिए, आप ग्राइंड भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे मैश किया है। अब इसमें डाल दीजिए 4 टेबलस्पून चीनी। चीनी डालने के बाद फिर से इसे अच्छे से मैश करना है। दोनों को अच्छे से फैट लेना है, एक स्मूथ बैटर तैयार हो जाना चाहिए। इस तरह का बैटर तैयार हो जाने के बाद 1/4 कप कंडेंस मिल्क डाल दीजिए। कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप मिल्क पाउडर डाल सकते हैं सेम क्वांटिटी में। इसी में डाल दीजिए 1/4 कप मेल्टेड बटर, 1/4 कप अनफ्लेवर ऑयल, फिर से अच्छे से मिक्स कर लेना है। सभी इंग्रेडिएंट आपस में मिल जाने चाहिए। साथ ही इसमें डाल दीजिए 1/2 टीस्पून वेनिला या फिर मिक्स फ्रूट एसेंस या फिर चॉकलेट एसेंस, जो भी आप पसंद करते हैं डाल सकते हैं। अब इसमें डाल दीजिए 1/2 कप दूध, फिर से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। एक एक इंग्रेडिएंट डालते जाना है और मिक्स करते जाना है। इस तरह का बैटर तैयार हो जाने के बाद छन्नी लीजिए। छन्नी में डाल दीजिए 1.5 कप मैदा, 1/4 कप कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर नहीं है तो सेम क्वांटिटी में मैदा और ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, सभी को मिला के छान लेना है। कट एंड फोल्ड मेथड से एक ही डायरेक्शन में हल्के हाथों से चलाते हुए मिक्स कर लेना है। अगर आपको बैटर गाढ़ा लग रहा है, थिक लग रहा है, तो थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर का पानी या फिर दूध डालिए, मिक्स कर लीजिए। साथ ही डाल दीजिए 1 टीस्पून विनेगर या फिर लेमन जूस, मिक्स कर लीजिए। अब इस बैटर को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है और हमने जो कलर तैयार किया था वो इसमें मिक्स कर देना है, एक में ग्रीन फूड कलर और एक में रेड फूड कलर। दूध में मिलाकर कलर डालने के कारण ये बहुत अच्छे से बैटर में मिक्स हो जाएगा। दोनों मिक्स हो जाने के बाद दोनों बैटर को अलग अलग पाइपिंग बैग में भर लीजिए, इससे बनाने में आसानी होगी। अगर पाइपिंग बैग नहीं है तो आप डायरेक्ट चम्मच से भी बैटर डाल सकते हैं। दोनों पाइपिंग बैग को कट कर लेना है और उसके बाद केक टिन में डालते जाइए। आप देख सकते हैं मैं कैसे डाल रही हूँ। मैंने ग्रीन डाला है, उसके बाद रेड बिल्कुल सेंटर में डालना है, रेड डालने के बाद फिर से ग्रीन डालना है, इसी तरह से डालते जाना है। इस बैटर को हमें टैप नहीं करना है, इस बात का भी ध्यान रखें। देखिए इस तरह से ये अपने आप आसानी से फैल जाएगा। इसी तरह से पूरा बैटर डाल लेने के बाद टूथपिक की सहायता से आप इस तरह से इसमें डिज़ाइन बना सकते हैं। इस केक को आप स्टीम कुक भी कर सकते हैं, जैसे हम ढोकले को करते हैं सेम तरीके से, पर मैं यहाँ पे बेक कर रही हूँ। डिज़ाइन बनाने के बाद टूथपिक को पोंछना जरूरी है। बैटर को टैप नहीं करना है, नहीं तो पूरी कलर आपस में मिक्स हो जाएंगे। भगोना प्री हीट हो चुका है, इसमें रख दीजिए
ढक दीजिए। फ्लेम को लो टू मीडियम कर लीजिए। लगभग 40 से 45 मिनट तक बेक होने दीजिए। 40 से 45 मिनट के बाद चेक करके देखिए, अगर कुक हो गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर नहीं हुआ है तो 5 मिनट लो फ्लेम पे और बेक कर लीजिए। केक बहुत अच्छे से बेक हो गया है, इसे अनमोल्ड कर लीजिए। आप सोच रहे होंगे ये तो ऊपर से बिल्कुल क्रैक हो गया है, फट गया है, पर ऐसा कुछ नहीं है। हमें वैसे भी ऊपर का जो राउंड वाला पोर्शन है उसे कट करना होता है डेकोरेट करने के पहले। इसे निकाल दीजिए इस तरह से कट करके। आप इस ऊपर वाले पोर्शन को बच्चों को ऐसे ही दीजिए, ये क्योंकि बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत ही आसानी से खुशी खुशी खा लेंगे। आप देख सकते हैं ये अंदर से बिल्कुल भी नहीं फटा है। अब इसके ऊपर डाल दीजिए शुगर सिरप। 2 से 3 चम्मच पानी में 1 चम्मच चीनी मिलाइए, अच्छे से घोल लीजिए। शुगर सिरप तैयार हो जाएगा। यही शुगर सिरप इसके ऊपर डालना है। 150 ग्राम व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड ले लीजिए। इसे एकदम महीन महीन चॉप्ड कर लीजिए। जितने अच्छे से आप चॉप्ड कर सकते हैं उतना महीन कर लीजिए। चॉप्ड हो जाने के बाद हम इससे बनाएंगे व्हाइट चॉकलेट गनाश। अब एक पैन में 60 ml फ्रेश क्रीम ले लीजिए। फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप हैवी क्रीम भी ले सकते हैं। गैस पे चढ़ा देना है, फ्लेम को लो कर देना है, लगातार चलाते रहना है, नहीं तो क्रीम फट सकती है। जैसे ही क्रीम हल्की सी गर्म हो जाए इसमें डाल दीजिए चॉप्ड किया हुआ व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड। डालने के बाद लगातार चलाते रहना है, नहीं तो ये फट सकती है और हमारा व्हाइट चॉकलेट गनाश खराब हो सकता है। जैसे ही चॉकलेट मेल्ट हो जाए फ्लेम पे से उतार लेना है और ऐड कर देना है इसमें 1 teaspoon बटर और अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब केक को जाली वाले रैक पे रख दीजिए। नीचे एक प्लेट रखिए और ये गनाश इसके ऊपर डाल दीजिए। देखिए, इसके लिए हमें किसी स्पैचुला की ज़रूरत नहीं है, कोई भी डेकोरेशन टूल्स की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से फैला देना है और थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दीजिए, सब तरफ आसानी से लग जाएगी और फैल जाएगी। मैंने इसमें व्हिप क्रीम का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। आप चाहें तो केक के 2 पार्ट करके उसे व्हिप क्रीम से अच्छे से गार्निश कर सकते हैं और उसके बाद इस गनाश को डालिए। 2 कटोरियों में 1-1 चम्मच व्हाइट चॉकलेट गनाश ले लिया है और दोनों में भी फूड कलर ऐड कर दिया है, जैसे पहले किया था सेम तरीके से। एक इसमें रेड, दूसरे इसमें ब्लू और येलो। आपके पास अगर ग्रीन है तो ग्रीन यूज़ कर सकते हैं। मिक्स कीजिए, पाइपिंग बैग में भर लीजिए और ऊपर से छोटा छोटा कट कर लीजिए। बिना क्रीम का भी ये केक बहुत ही टेस्टी लगता है। और अब इस तरह से डेकोरेट कर लेना है या फिर जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, पर ये एक बहुत ही आसान तरीका है केक को बहुत ही खूबसूरत बनाने का। 1 रेड और 1 ग्रीन इस तरह से सर्कल डालते जाने हैं। आप और पास में भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा दूर भी डाल सकते हैं, ये आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से डाल सकते हैं। और लास्ट में एक छोटा सा डॉट बना दीजिए रेड कलर का, या फिर ग्रीन आ रहा है तो ग्रीन का बना दीजिए। टूथपिक की सहायता से इस पर डिज़ाइन बना लीजिए, पर हर एक लाइन के बाद आप इसे ज़रूर पूछें, नहीं तो ये कलर आपस में मिक्स हो जाएंगे। इस केक को बनाकर आप फ्रिज के बाहर भी 3 दिन तक स्टोर कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा क्योंकि हमने इसमें व्हिप क्रीम नहीं लगाई है। ये केक मुझे बाहर लेके जाना था इसलिए मैंने इसमें व्हिप क्रीम नहीं लगाई है। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे पूछा था कि उन्हें केक बनाकर 4 से 5 घंटे बाहर ट्रैवलिंग के लिए लेके जाना है, तो इस केक को बनाकर आप आसानी से ट्रैवलिंग में भी ले जा सकते हैं। साइड में इस तरह से डेकोरेट कर दीजिए और भी खूबसूरत दिखेगा। चॉकलेट गनाश लगे होने के कारण ये केक बिल्कुल भी ड्राई नहीं लगता है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। ये केक एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। जिनके सिटी में व्हिप क्रीम नहीं मिलता है वो भी अब आसानी से इस केक को बना सकते हैं, बर्थडे पार्टी या फिर कोई भी पार्टी आसानी से सेलिब्रेट कर सकते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, इस केक को मैं आप सभी को कट करके नहीं दिखा सकती। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, ये केक मैंने बाहर ले जाने के लिए बनाया है, इसलिए ही मैंने इस पे व्हिप क्रीम भी नहीं लगाई है। केक को डेकोरेट करने के लिए जब इसका राउंड पार्ट मैंने कट किया था, तब वीडियो में आप देख सकते हैं ये केक कितना स्पॉन्जी बना है। और अगर आप इस केक को ओवन में बनाना चाहते हैं, 180 डिग्री प्री हीटेड ओवन पर 180 डिग्री पर ही आप इसे
35 से 40 मिनट तक बेक कर सकते हैं। केक आसानी से बन जाएगा। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।